रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि अनेक प्रकार से भाग दौड़ करते करते सुबह से शाम तक, और जितना हम भाग दौड़ करते उतनी सफलता हमको नहीं प्राप्त होती, परेशान भी रहते हैं, मन भी अस्थिर रहता है, चिंताएं, समस्याएं, इन सभी को देखते हुए आज मैंने एक विशेष बात आपको बताने का अपने मन में विचार किया कि आज मैं अपने मित्रों को ऐसी चर्चा की ओर ले चलूं जिससे साधारण से उपाय से उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो एक वस्तु है कौड़ी, अनेक तरह की कौड़ियां होती हैं, परंतु आपको एक पीले कलर की कौड़ी होती है, वो कौड़ी आपको लेनी है। कौड़ी को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप भी मानते हैं और देखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजन जिस समय होता है, जो आपका दीपावली का पूजन होता है, उस पूजन में भी कौड़ी रख करके माता लक्ष्मी के पास में फिर उनका कौड़ियों का पूजन करना भी चाहिए। तो कौड़ी कई तरह की होती है, पर आपको पीले कलर की ही कौड़ी लेनी है। आपको 5 कौड़ी लेनी है पीले कलर की, और उन कौड़ियों को आपको पहले दूध में धुलना है। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत सुंदर है, कच्चा दूध होना चाहिए, और इसके बाद में उनको गंगा जल से साफ कर लीजिएगा। मित्रों, इस क्रिया को आप कब करना है, बोले शुक्रवार को शाम के समय गोधूली बेला में, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, उस समय आपको ये लक्ष्मी जी का कौड़ियों का पूजन करना है। शुक्रवार के दिन शाम के समय करना है, गंगा जल से धुल करके, दूध से धुल करके, फिर गंगा जल से धुलिएगा, फिर इसके बाद उसमें रोली लगाइएगा, सिंदूर लगाइएगा, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करिएगा, फूल इत्यादि चढ़ाइएगा, और इनको एक पीले कपड़े के ऊपर रख दीजिएगा। कुबेर मंत्र से अभिमंत्रित करें इनको, कुबेर का मंत्र भी आपको बोलना है, और धन धान्य के ऊपर भगवान कुबेर की अत्यधिक कृपा होती है। कुबेर देवता अगर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो बोलते हैं ना किसी किसी को धन कुबेर, तो कुबेर की मंत्र से आपको कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र को जरूर करना है, और रोज करना है उस दिन से लेकर के। शुक्रवार को आपको शाम को प्रारंभ करना है, फिर इसके बाद आप शनिवार से इसको रूटीन में लाने के लिए सुबह भी कर सकते हैं, पर जिस दिन प्रारंभ करेंगे उस दिन अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, लग्न भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारा देख करके या किसी योग्य ब्राह्मण से पूछ करके, आपके राशि के अनुसार आपका चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए, ये देख करके आप उस दिन प्रारंभ करें। तो वो कुबेर का मंत्र क्या है वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का आपको जप करना है। और इस मंत्र का जप आपको रुद्राक्ष की माला से करना है, और इस मंत्र को 108 बार बोलना है, रोज करना है, और ये एक दो दिन की पूजा नहीं है, ये कम से कम 2.5 महीने तक निरंतर आपको इसी क्रम में करना है। कौड़ियों को धोना एक दिन ही है, बाद में पीले कपड़े में उनको लपेट करके पूजा के स्थान में रख दीजिएगा, रखी रहने दीजिएगा, दीपक जला करके और इस मंत्र का आपको जप करना है। फिर इन जो लपेटी हुई कौड़ियां हैं 2.5 महीने के बाद इनको उठा करके आप तिजोरी में रख दीजिएगा, अपने गले में रख दीजिएगा, व्यापार के स्थान में रख दीजिएगा, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और बहुत से भक्त मेरे इस उपाय से लाभान्वित भी हो रहे हैं। आपको लाभ लेना है तो आप भी इस तरह के उपाय को कर सकते हैं, और अगर ये कौड़ियों का उपाय आप स्वतः न कर पाएँ तो आप हमारे वैदिक अनुष्ठान संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम और गोत्र को लेकर के यहाँ पर ये अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा, और इसके बाद ये आप तक पहुँचाया जाएगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।